हे प्रभु, हमारी बेटी पर जो विपत्ति आई है उसे कृपा करके दूर कीजिए, उसे राह दिखाइए प्रभु, ताकि वो अपने परिवार की खुशियां वापस ला सके, उसकी सहायता कीजिए प्रभु। राजबन्ना जी, तुम्हारे साथ कमरे में चलो, घर के कुछ दिखाना है। जी आज मां, भाभी मां, हमें आपसे एक बात कहनी थी। मैं जानती हूं तू क्या कहेगा, यही कि इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। हम मान लेते हैं, शायद हम ही समझ नहीं पाए, आगे से ख्याल रखेंगे। आइए। ठीक है, जो मन में आया है कीजिए, जो समझना है समझिए। कल से कितनी बार कोशिश कर चुका हूं आप लोगों से बात करने की, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब ना। नहीं, प्लीज चुप हो जाइए, माँ नाराज है, हमने उन्हें दुख पहुंचाया है। अगर सबको ये लगता है कि हमने जानबूझकर यश को हर्ट किया, या फिर मैं अपनी बीवी का पक्ष ले रहा हूँ, या अपनी बहनों से मुझे प्यार नहीं और ये फिक्र ही नहीं है मुझे, तो ठीक है, जिसको जो लगता है लगने दीजिए, मैं किसी को सफाई देने नहीं जाऊंगा। वेरी गुड, अब तुझे समझ में आया ना कि मैं इतनी देर से तुझे क्या समझा रहा हूँ। हाँ, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। यश, पर तुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, अब तू कभी उदास मत होना, और तुझे पता है तो लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरे मम्मा पापा ने भी यही कहा मुझसे। तूने बुआ को हगी की? हाँ, वो बहुत रो रही थी। मेरी मम्मा भी बहुत रो रही थी। देख, एंजल ने जो गड़बड़ की उसमें बाकी सबकी क्या गलती थी? हाँ, उसमें मम्मा पापा की कोई गलती नहीं है, इंजल भड़क कर निकली। अच्छा यश सुन, बुआ और फूफा जी अभी भी मेरे मम्मा पापा से नाराज है क्या? लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। हे तुलसी मैया, जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है, आप जानती हैं, और आप ये भी जानती हैं कि हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, पर कैसे ये समझ नहीं पा रहे। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मेरे परिवार की शांति, इसकी खुशी अब आपके हाथों में, मदद कीजिए हमारी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। बताना। हम लोग कन्हैया दीदी को फोन करते और उनसे पूछते कि हम क्या करें। तुझे ये आइडिया आया है? अरे नहीं नहीं, हम तीनों साथ में मिलके सोचेंगे तो हमें कोई ना कोई अच्छा आइडिया आ ही जाएगा। जैसे हम फाइट करते तो हमारी मम्मा कैसे हमें फिर से मिलवा देती, वैसे कुछ करना चाहिए हमें। तो रुक, मैं दीदी को भी फोन करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ दीदी, ये बड़े लोग भी ना बिल्कुल बच्चे बन गए, अब हमें इन्हें समझाना पड़ेगा। पर हम बड़े लोगों की बट्टी कैसे करा सकते हैं? आ गया, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है दीदी, बताओ ना। हम है ना, ओके चिक्कू,
वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बाय चिंकू, बाय यश। ओके बाय दीदी, बाय यश, बाय। क्या प्लानिंग हो रही थी भाइयों के साथ मिलके अनन्या? बहू एक बात बताऊं सारे को, अब मारे को लागे हैं कि हमारी दवाइयां कम हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दादाजी। अच्छी बात तो तन्ने करी है ना बहू, तभी तो चैन की नींद आ गई हमारे को आजकल। तेरे को पता है कल मैं बिना नींद की गोली खाए सो गया था। जो जो फैसला तन्ने करा है ना, हमारी सारी चिंता दूर हो गई है। और दादाजी, अगर कोई नाराज हो जाता या फिर सहमत नहीं होता तो क्या करती मैं? कैसे समझाती सबको? मैं ना जानता था रे को, तू तब तक हार ना मानती जब तक तू अपनी बात सबको समझा ना लेती। मम्मा, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि बड़ों की पट्टी हो जाए। जंजल ने गड़बड़ की थी, उसको नन्नी बुआ और मोहित अंकल ने ठीक कर दिया। ये तो कितनी सिंपल बात है मामा, पर बड़े लोग इस पे क्यों झगड़ा करने लगे? ये हमें अच्छा नहीं लगता। पर बेटा, बड़ों की बातें हैं ये, इसमें बच्चों का बोलना। बड़े जब बच्चों की तरह बातें करने लगे तो बच्चों को ही बड़ा बनना पड़ेगा ना वर्षा। ये बात जिस तरह से उलझती जा रही है, उसे सुलझाना भी तो उसी तरह से पड़ेगा, जिससे ना तो कोई किसी पे नाराज हो सके और ना ही किसी पे गुस्सा कर सके। करने दो बच्चों को जैसा वो करना चाहते हैं। थैंक बड़ी दादी। मामा, अब तो आप हमारी हेल्प करोगे ना? हाँ। थैंक यू मम्मा। पर मम्मा, चिकू यश तो अपने अपने पेरेंट्स को मना लेंगे, पर रश्मि बुआ को कौन मनाएगा? उनको तो मुझे ही मनाना पड़ेगा। तुम उन्हें प्यार से बुलाओगी, वो जरूर आएंगे। हाँ, वो हम सब बेबीज को बहुत ही प्यार करती है। मैं अपने रूम में जाके डॉल की सारी चीजें निकालती हूँ। काश हम बड़ों की सोच भी इन बच्चों की तरह मासूम होती। माँ, मैं सोच रही हूँ आज दाल मखनी और मिस्सी रोटी बना लेती हूँ, बहुत दिन से नहीं खाई ना। भाभी माँ, ये मुझे दे दीजिए, मैं काट देती हूँ। और माँ, मीठे में क्या बनाऊँ? मैं सोच रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड बना देती हूँ, बनाऊँ ना माँ? भाभी माँ, आपको तो आम वाला अच्छा लगता है ना? शाम को जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम शाम को रश्मि और दीदी के घर चलेंगे। आपको लगता है कि कोई फायदा होगा? अब कोशिश किए बिना आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नैतिक? चाहता तो मैं भी यही हूँ अक्षय, कि किसी तरह ये बात खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं रहा। वो दोनों यहाँ आएंगे नहीं, और हम मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे ना आज शाम को अनन्या दीदी के घर जाना है, उनकी डॉल की शादी है और मुझे उनकी हेल्प भी करनी है। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह दूंगी कि गिरजा दीदी के साथ आपको वहां ले जाए, ठीक है? आप लोग नहीं चलोगे? नहीं बेटा, हम नहीं आ पाएंगे, हमें कहीं जाना है, जरूरी काम। यश, बहुत अच्छा पार्क है, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नक्ष के घर ही जाना है। Thank you.
यश बेटा, नक्शियां तो रोज जाते हैं, आज कहीं नई जगह चले। अच्छा एक काम करते हैं, आज आप जहाँ बोलोगे ना हम वहाँ लेके चलेंगे। तो फिर अनन्या दीदी के घर चलो, उन्होंने भी तो बुलाया है। उनकी डॉल की शादी है और मैं बराती हूँ। मम्मा प्लीज चलो ना, प्लीज, मैंने कभी डॉल की शादी नहीं देखी है, प्लीज मम्मा प्लीज चलो ना। अब पर यश बेटा, नहीं आपने बोला था कि जहाँ बोलोगे वहाँ लेके चलूंगा, अब क्यों नहीं मान रहे? अब आप नक्स के घर तो नहीं लेके जाओगे, अब वहाँ तो लेके चलो। हाँ बेटा ठीक है। पर ये भी तो जरूरी है ना बुआ, प्लीज अब मेरी हेल्प करो ना प्लीज। मम्मा बिजी और दादी तो यहाँ है ही नहीं। अक्षरा बुआ ने बोला है कि उनको कहीं बाहर जाना है, इसलिए वो नहीं आ सकती। आप भी बताओ ना बुआ, मैं क्या करूं? आपने तो उस दिन कहा था ना बुआ कि जब मेरी डॉल की शादी होगी तो आप उसे सजाने आओगी, फिर आप क्यों नहीं आए बुआ? आओ ना प्लीज। प्लीज 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 मम्मा, मुझे आपके साथ ही जाना है। यश भी आएगा बुआ और बुआ जी के साथ। अच्छा रुको एक सेकंड, रुको मैं पापा से बात करती हूँ। नहीं अक्षरा, वहाँ सबके सामने कैसे? सबके सामने होंगे तभी तो बात करने का मौका मिलेगा। नैतिका आप भी तो कह रहे थे ना कि एक मौका चाहिए उनसे बात करने का। मम्मा पापा प्लीज जल्दी आओ, बोलो ना। मम्मा पापा मान गए? पापा आपकी किसी भी बात के लिए कभी मना करते हैं ना? थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, मानो मान। बस अब ये टीवी के डायलॉग्स मारने की ना कोई जरूरत नहीं, और आगे से ना ये ओवर एक्टिंग ना थोड़ी कम किया करो, पकड़े जाते हैं। नैतिक माँ से आप बात करेंगे? नहीं अक्षरा, उनसे आप ही बात कीजिएगा, मैं उनसे बात नहीं कर रहा। नहीं नैतिक, मैं नहीं, मैं बोलूंगी तो वो समझेंगे कि इस वक्त भी इसे मायके जाने की सोच रही है। आप उनसे ये कह दीजिएगा कि नक्श जाने की जिद कर रहा है, अपने लला की कोई भी बात का बुरा नहीं लगता उन्हें। बात कर ही लो अक्षरा से बेटा, ऐसे तुम्हारी चिंता दूर नहीं होने वाली, मैं जानती हूँ। हम भी जानते हैं मां, लेकिन पहले ये तो तय कर लें कि बात क्या करेंगे। ना वो हमें कुछ बताएंगे और ना ही हम कुछ पूछ पाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो, तो ऐसा करो सबका हालचाल पूछने के लिए ही फोन कर लो, थोड़ा हौसला बढ़ा दो, इससे अक्षरा को खुशी मिलेगी और तुम्हें तसल्ली। ठीक है मां। अक्षरा का फोन तो बंद है। अरे तो घर के फोन पे कर लो। ठीक है करते। हेलो, राधेकृष्ण संदन जी, हम बोल रहे हैं। राधेकृष्ण विशंबर भाई साहब, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी हम भी अच्छे हैं। घर पर सब कैसे हैं? दादा जी, भाभी माँ, जमाई साहब, सब जी सब राजी खुशी हैं। अच्छा वो अक्षरा है क्या घर पर? जी घर पे है, लेकिन इस समय दादाजी के कमरे में है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में फोन कर लेंगे। नहीं आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं बहू को कह दूंगी, वो फोन कर लेगी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तुम्हारे बाबूजी का फोन था बहू। क्या कह रहे थे माँ? क्यों कोई बात हुई है उनसे? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई है, वो दरअसल अनन्या और डुगू आज मिलना चाहते हैं।
तो मुझे लगा शायद बाबूजी इसीलिए फोन कर रहे होंगे ये जानने के लिए कि हम कब तक आ रहे हैं। यही बात है या कुछ और बात है? जब कोई परेशानी होती है तो माँ बाप की याद आती है, इच्छा होती है उनसे सब बात कहने की। भाभी माँ और मैं भी परेशान है, रश्मि नंदिनी भी परेशान है, लेकिन ना हम मायके गई ना वो मायके आ रही। घर की बातें घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए बहू। लल्ला अरे ये सब क्या है लल्ला? आपको मम्मा ने बताया नहीं क्या? जनन्या दीदी की डॉल की शादी है। अच्छा, गुड्डे की साइड से भी तो कोई होना चाहिए। मैं बाराती हूँ ना, मम्मा पापा तो जा ही नहीं रहे थे, मैंने जिद की तब जाके माने। माँ हम चलते हैं, नैतिक बाहर ही है, जल्दी आ जाएंगे। आओ बेटा। हेलो मम्मा। बाय दादी। आज मजा आएगा, सबकी दोस्ती हो जाएगी, सबके सामने बात हो पाए, हम जो सोच रहे वही, कुछ उल्टा सीधा ना। उम्मीद तो यही है अक्षय कि आज सारे मन मुटाव दूर हो जाए और ये उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, अक्षय सिंघानिया जी, अक्षरा तो घर पे नहीं है, कहिए क्या काम है? जी मैं ऑफिस से हूँ, अकाउंट डिपार्टमेंट से। कहिए, मैं माँ हूँ उनकी। परसों अक्षरा मैं बैंक आई थी लॉकर से कुछ निकालने के लिए और अपना शॉपिंग बैग वहीं भूल गई थी, फिर जब उनको याद आया तो उन्होंने मुझे पिक करने को कहा, तो ये उनका बैग है। और हाँ मैडम, उनको बोल दीजिएगा वे अपना लॉकर खोल सकती हैं। जिस दिन वो आई थी उस दिन सुरक्षा कर्मियों की बदली के कारण उनको उनका लॉकर खोलने नहीं दिया गया था, शायद उनको गहनों की जरूरत थी। जी मैं चलता हूँ। मम्मा शादी कितना फन होता है ना? आई होप आज जब हम वहां पर अनन्या की डॉल की शादी के लिए हम लोग ना बिल्कुल बच्चों की तरह मिलकर एंजॉय करें, मैं और मोहित भारत में एक साथ डांस करें और आप रश्मि और दीदी मिलकर हमारा स्वागत करें, खूब हंसी मजाक हो। भगवान करे सब ठीक हो जाए और उलझे रिश्ते फिर से सुलझ जाए। बहू बैंक से क्या निकालने गई थी, कुछ बताया भी नहीं। अरे दद्दा जी की मेडिसिन, भाभी माँ के लिए गोटा, किचन के लिए वेजिटेबल, रश्मि के लिए जड़ाऊ हार निकालना है बैंक के लॉकर से। मतलब बहू रश्मि के लिए जेवर और जड़ाऊ हार निकालने गई थी बैंक, वो ये सब रश्मि को देना चाहती है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।